स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 21 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मेरी माँ। इस पाठ को हमने पहले ही अच्छे से समझ लिया था बच्चों। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है बिस्मिल के गुरु का नाम था। तो जब हमने पाठ पढ़ा था तो जो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे उनके गुरु का नाम सोमदेव जी था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो सही विकल्प होगा वो दा वाला होगा, सोमदेव। अब हमारा जो खा नंबर वाला सही विकल्प वाला प्रश्न है बच्चों, ये है महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ये बोल रहे हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आई लेकिन तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। ये अपनी माँ से कह रहे हैं बच्चों, अधीर। अधीर का अर्थ यहाँ है धैर्य रहित, धैर्य रहित, ठीक है। तो इसका जो सा वाला विकल्प है बच्चों, ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। ये है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, इनको हमें भरना है। तो जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है ये है घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता था उसमें डैश करती थी। तो जो रामप्रसाद बिस्मिल जी की माता जी थी तो उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था बच्चों। तो जब वो घर का सभी काम कर लेती थी तो उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई किया करती थी, ठीक है। तो ये यहां पर आएगा पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, इस वाले रिक्त स्थान में आप लिख दीजिएगा। अगला जो रिक्त स्थान है बच्चों खा नंबर का, ये है जब मैंने डैश में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता था। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब से आर्य समाज में प्रवेश किया था तब से उनसे उनकी माता जी से वार्तालाप बहुत ज्यादा होने लगा था। तो इस वाले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे आर्य समाज। अगर बच्चों ये पाठ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिए, आपको ये प्रश्न उत्तर बड़े आराम से आ जाएंगे। अगला है ग नंबर वाला रिक्त स्थान, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही डैश दे। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनके जीवन में उनकी माता ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था, तो वो परमात्मा से ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे परमात्मा मुझे जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता देना, मतलब हर जन्म में मुझे ये ही माता चाहिए। तो इस वाले रिक्त स्थान में आएगा माता। अगला रिक्त स्थान है बच्चों गा नंबर का, ये है गुरु गोविंद सिंह जी धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो डैश हुई थी। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी को ये खबर मिली, बहुत ज्यादा दुखद खबर थी कि उनके पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया है, तो वो बजाय दुखी होने के वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई थी बच्चों। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि उनके जो पुत्र हैं आज अपने देश के खातिर धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी, तो वो प्रसन्न हुई थी बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रसन्न, प्रसन्न हुई थी। अगला है जो रा नंबर वाला रिक्त स्थान, ये है माताजी डैश पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी। तो पढ़ाई लिखाई पा चुकने के बाद वो विवाह को उचित मानती थी क्योंकि उनकी माताजी को ये पता था कि एक इंसान में समझदारी तभी आती है जब वो पढ़ लिख जाता है, क्योंकि उनकी माता जी भी पढ़ लिख गई थी इसलिए उन्हें पढ़ाई का महत्व पता चल गया था। तो पढ़ाई लिखाई, इसमें लिखेंगे हम पढ़ाई लिखाई।
इस तरीके से बच्चों ये हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी होता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक तीन है बच्चों, ये है एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो हमसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें उनका उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है, यानी कि एक छोटा सा उत्तर देना है। तो यहाँ पर बच्चों जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है, बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना किसे पसंद नहीं था। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे तो वो सेवा समिति में जाना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार में से उनके जो पिताजी थे और उनकी जो दादी जी थी, उन्हें ये काम पसंद नहीं था कि वो सेवा समिति में जाएं। वो ये चाहते थे कि घर पे रहकर घर गृहस्थी के काम करें, ठीक है, उनका विवाह हो जाए और जिस तरीके से और जन अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन जो उनकी माता जी थी वो उनका पूरा सहयोग करती थी देश के सेवा के कार्यों में। तो उनके पिताजी और दादी जी को उनका सेवा समिति में जाना पसंद नहीं था बच्चों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना उनके पिताजी पिताजी और दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो ख नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, ये है राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों कि इनके जीवन में जो सुधार आए थे, इनमें जो देशभक्ति के गुण आए थे, वो इनकी माता और इनके गुरु की वजह से आए थे। इनके गुरु जी का नाम था सोमदेव जी, ठीक है, तो माता और गुरुदेव जी, ठीक है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह उनकी माता जी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का फल था। इन दोनों की वजह से उनकी जीवन में ये सुधार आए थे या फिर उनमें ये साहस आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, गा नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो जब बिस्मिल जी की माताजी का विवाह हुआ था तो वो काफी कम उम्र की थी, उनकी आयु बहुत ज्यादा कम थी, तो उन्हें घर गृहस्थी के काम नहीं आते थे। तो उनकी जो सास थी यानी बिस्मिल जी की दादी जी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया और उनकी छोटी दादी जी की छोटी बहन से बिस्मिल जी की माता जी ने घर गृहस्थी के काम सीखे थे बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बिस्मिल जी की माता जी ने गृह कार्य की शिक्षा दादी जी की छोटी बहन से प्राप्त की थी, यानी कि खाना बनाना, घर का रख रखाव आदि करना, ये सारे काम किनसे सीखे थे, दादी जी की छोटी बहन से। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था। तो उस टाइम पे बच्चों लड़कियों को शिक्षित करने का इतना चलन नहीं था, तो चूंकि बिस्मिल जी की जो माता जी थी वो पढ़ना लिखना सीख गई थी, तो जो बिस्मिल जी की छोटी बहन थी बहनें थी उन्हें वो घर पर ही बिस्मिल जी की माता जी शिक्षा दिया करती थी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, बिस्मिल जी की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा उनकी माताजी ही दिया करती थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, शिक्षा आदि के अतिरिक्त माताजी ने कहां बिस्मिल की सहायता की। तो बिस्मिल जी को शिक्षित तो किया ही माताजी ने, लेकिन उनके अनेक क्षेत्रों में उनकी सहायता की थी बिस्मिल जी की। जैसे कि वो कहीं अगर है ना किसी सम्मेलन में या फिर किसी समिति में भाग लेना चाहते थे, वो उनका पूरा सहयोग करती थी और देशभक्ति के गुण उन्हें सिखाती थी। तो बहुत ज्यादा उनका सहयोग रहा है उनके जीवन में, बिस्मिल जी के जीवन में उनकी माता जी के, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, शिक्षा आदि के अतिरिक्त बिस्मिल जी की माता ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता की। जैसे वे बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थी। बच्चों अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चार को, ये है 3-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यानी कि जो हम अब हमसे प्रश्न किए जाएंगे उनका उत्तर हमें थोड़ा सा बड़ा देना है, मतलब
उनका 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है। तो इसका क नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, ये है बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो एक बार क्या हुआ था बच्चों कि उनके पिताजी से, बिस्मिल जी के पिताजी से किसी का दीवानी मुकदमा हो गया था। तो बिस्मिल जी ने वकील साहब से कह दिया था कि अगर मैं कभी ना रहूं, कहीं चला जाऊं किसी जरूरी काम से, तो जो भी आपको काम पड़े तो वो आप बिस्मिल जी से करवा लीजिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी किसी काम से कहीं चले गए, तो उनके पिताजी की अनुपस्थिति में वकील साहब ने बिस्मिल जी को बुलाया और वकालतनामे पर हस्ताक्षर उनके पिताजी के करने के लिए बोला गया, अपने पिताजी के हस्ताक्षर इस वकालतनामे पर कर दीजिए। लेकिन ये क्या था, एक झूठ था, धोखा था एक तरीके से, जो बिस्मिल जी के लिए पाप के समान था, बहुत बड़े पाप के समान था। तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, जबकि वकील साहब ने उनसे बार बार कहा कि आप अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये मुकदमा हार भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी, उन्हें सत्यता से इतने ज्यादा लगाव था बच्चों, तो इस कारण उन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी के मुकदमे में वकील से कह गए कि जो काम हो वह वकील से करवा लें, वकील से नहीं यहां पर आएगा बिस्मिल जी से करवा लें, ठीक है, बिस्मिल जी से। पिताजी की अनुपस्थिति में वकील साहब ने बिस्मिल को बुलाकर उनसे वकालतनामे में हस्ताक्षर करने के लिए कहा, परंतु बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नजर में यह एक पाप था। अब जो ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो ये है बिस्मिल जी की माता का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो बिस्मिल जी की माता उन्हें अलग अलग प्रकार के आदेश दिया करती थी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा आदेश ये था कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हारे सामने चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी के भी प्राण नहीं लोगे, ये उनका सबसे बड़ा आदेश था। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दीजिएगा, बिस्मिल जी के जीवन में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान क्यों था, क्योंकि बच्चों वो उनको देशभक्ति के लिए प्रेरित किया करती थी, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश यह था कि वह किसी के भी प्राण ना लें, चाहे सामने उनका शत्रु ही क्यों ना हो। यहाँ की जगह पे बच्चों कर लेना ही, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को, ये है ग नंबर का प्रश्न, ये है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी, उन्हें ये इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। तो बिस्मिल जी के वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐश्वर्य का जीवन नहीं जीना चाहते थे, ना ही उन्हें कोई भोग विलास की लालसा थी, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी एकमात्र इच्छा थी वो ये थी कि वो अपने माता की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को इस देश की सेवा में लगा दिया था। तो उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया था कि वो अपनी माता की सेवा कर सके, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो उनकी ये जो इच्छा थी अपनी माता जी की सेवा करने की, ये उन्हें पूरी होती हुई इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड किया था, यानी अंग्रेजों का खजाना लूटा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर उनके साथियों सहित उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी, इस कारण उन्हें अपनी ये इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बिस्मिल जी की एकमात्र इच्छा थी कि वे एक बार श्रद्धा पूर्वक अपने माता जी के चरणों की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस जीवन में अपनी माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया था, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया था। उन्हें यह इच्छा पूरी होती दिखाई इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उन्हें काकोरी कांड के लिए फांसी होने वाली थी, इसलिए उनको ये इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी कि
कि वो ये सोच रहे थे कि अब मुझे फांसी की सजा हो जाएगी और मुझे ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं अपनी माता जी की सेवा कर पाऊं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे बच्चों, उन्हें उनकी देश सेवा के लिए या फिर धर्म रक्षा के लिए दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये जब दुखद खबर उनकी माता जी के पास पहुंची तो कोई भी साधारण अगर स्त्री होती तो वो रोने लगती या फिर अपना दुख को व्यक्त करने लगती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो इस बात पर प्रसन्न हुई। उनका ये मानना था कि जो मेरे पुत्र हैं आज मेरे को तो देश के लिए काम आए, और उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो इस बात को लेकर वो प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रसन्नता में मिठाई बांटी। बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को देश हित के लिए दीवार में चुनवा दिया गया। जब यह दुखद समाचार उनकी माता को सुनाया गया तो वह बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि आज उनके पुत्रों का बलिदान देश हित के लिए दिया गया है। अतः उन्होंने गुरु के नाम पर अपने पुत्रों के लिए बलिदान पर मिठाई बांटी। ठीक है, मतलब कितने महान माता थी बच्चों। आप देख सकते हैं कि किसी भी स्त्री, कितनी भी कैसी भी स्त्री हो, अगर उसके पुत्र की मौत की खबर उस तक पहुंचा दी जाए तो वो अपना दुख व्यक्त करेगी ही करेगी। लेकिन ये कितनी महान माता थी कि उनके दो पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी इस पर अपना दुख व्यक्त नहीं किया, बल्कि उनके बलिदान पर उन्हें प्रसन्नता हुई, उनको उनके बलिदान पर गर्व महसूस हुआ। बच्चों ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो रा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा। तो बिस्मिल जी थे बच्चों, जब उन्हें फांसी होने वाली थी तो उन्होंने अंतिम समय में अपनी माँ से ये वर मांगा कि हे माता, मुझे फांसी को देखकर मेरा मन बिल्कुल भी विचलित ना हो, और मेरा जो प्राण है वो तुम्हारे आशीर्वाद के साथ और परमात्मा को याद करते हुए मेरे प्राण त्याग दिए जाए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने वर मांगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से यह वर मांगा कि वह उन्हें आशीष दें। आशीष का मतलब आशीर्वाद दें। ठीक है, वह अंतिम समय में अपनी माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर वह परमात्मा को स्मरण करते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ अपना प्राण त्याग सके, ऐसा उन्होंने वर मांगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।